बड़ी खबर के साथ। रोहतक से बड़ी खबर, रोहतक में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। तो आपको बता दें कि गांव रिठाल में लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगा है। हत्या के बाद अंतिम संस्कार भी किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि देर रात शमशान घाट पहुंची पुलिस, जलती चिता से पुलिस ने सबूत जुटाए हैं। तो वहीं पिता समेत कई लोगों पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रोहतक से ही बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने जल्दी चिता से साक्ष्य जुटाए हैं, जिसके बाद पिता समेत कई लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। तो परिजनों पर ही युवती की हत्या करने का आरोप लगा है और हत्या के बाद अंतिम संस्कार भी किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि देर रात शमशान घाट पहुंची पुलिस ने सबूत जुटाए हैं, जिसके बाद जलती चिता से पुलिस ने सबूत जुटाए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पिता समेत कई लोगों पर FIR दर्ज की गई है। तो वे हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऑनर किलिंग का ये मामला सामने आया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, रोहतक के रिठाल गांव का जो मामला है, जिसकी एक लड़की की जो है संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, तो उसी को चलते जो है पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो उस समय जो है लड़की का दाह संस्कार जो है कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने जो है जांच की और प्राथमिक जांच में पाया कि लड़की कहीं ना कहीं जो है इसकी हत्या भी हो सकती है। तो उसी के चलते पुलिस ने FSL टीम को बुलाया गया और जो शमशान घाट से उसकी जो है हड्डियां जो है इकट्ठी की गई, उसके बाद जो है वो DNA के लिए भेजी गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मामला कई धाराओं के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है, क्योंकि जिस तरह से प्राथमिक जांच में परिजनों से पूछताछ की गई तो परिजनों के जो बयान है वो अलग अलग दिखाई दिए, तो पुलिस को कुछ आशंका हुई। उसी के तहत जो है पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जो है अभी पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है, जाँच की जा रही है। हालांकि प्राथमिक जाँच में ये लग रहा है कि लड़की की हत्या की गई है, क्योंकि जो है लगभग कुछ महीने पहले इसकी शादी। संजय, ये भी जानना चाहेंगे क्या वजह स्पष्ट हो पाई है कि हत्या क्यों की गई? देखिए, पुलिस का यही मानना है कि जो लड़की है उसकी कुछ दिन पहले जो है कुछ महीने पहले उसकी शादी हुई थी, उसके बाद जो है आप उसकी ससुराल में नहीं बनी, उसके बाद जो है वो घर पर ही रहने लगी और कहीं ना कहीं उनकी अनबन जो है वो चल रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको चलते जो है कुछ आशंका हुई परिजनों को, उसके बाद जो है इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है। ये पुलिस अभी आशंका ही जता रही है, कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस का मानना है कि कई पहलुओं को देखकर नजर में ध्यान रखते हुए इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में तकरीबन जो है चलन पहले रहा है पिछले सालों के बजाय जो है की ओनर किलिंग का मामला जो बढ़ता ही जा रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है, उसी के आधार पर जो है परिजनों से पूछताछ करी। हालांकि अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जो है जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इसकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल संजय, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, FIR तो पिता समेत कई लोगों पर दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? देखिए, पुलिस का मानना है कि क्योंकि जल्दबाजी नहीं की जा सकती, पुलिस को जो है सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर जो है ये कार्रवाई की गई है। हालांकि उनके DNA के लिए उनकी जो शमशान घाट से हड्डियां जो है वो जो जरूर पुलिस ने वहां से निकाली थी, जब तक जब पुलिस वहां पर पहुंची तब तक जो है तो पूरी तरह से जल चुका था, जो हड्डियां थी उसी को ही DNA के लिए जो है बाहर भेजा, जो है चेक करवाने के लिए भेजा गया, DNA करवाने के लिए भेजा गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है हर पहलू से इस मामले की जाँच कर रही है। कारण क्या रहे हैं अभी तक पुलिस बताने पुलिस अभी ये खुलकर नहीं बता रही, क्योंकि पुलिस का मानना है कि अभी तक पता जो है जब तक साक्ष्य नहीं मिल जाते, पूरी तरह से सबूत नहीं मिल जाते, तब तक जो है इस मामले में खुलासा नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर ये कहा कि इस मामले में जो है हर पहलू को जी संजय, और जिस तरह से ये पूरा मामला जो है सामने आया है, अब DNA टेस्ट के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर किन वजहों से ये हत्या की गई। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रोहतक से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है।